हेलो दोस्तों, मैं हूं ओजस्व शर्मा और आज मेरी पहली ऑन स्क्रीन वीडियो बनाने जा रहा हूं। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ओजस ऑल गुरुजी। और तो ये आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो अभी अभी 9th क्लास में आए हैं और जानना चाहते हैं 9th क्लास है क्या और कैसे इसमें टॉप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दे देता हूं 9th क्लास क्या है। 9th क्लास है 10th क्लास का बेस, जो भी आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा उसका बेस 9th क्लास में होगा। तो अगर आप 10th में अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 9th आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है, और सिर्फ 9th क्लास की नहीं 10th के लिए भी आपको उसमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले 9th क्लास में आपको पढ़ाई मुश्किल तो नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी हिंदी में आपको लेवल हाई मिलेगा, इंग्लिश में भी लेवल बढ़ेगा, मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट पड़ सकती है, साइंस बहुत ईजी है, केमिस्ट्री ईजी लगेगी, सोशल साइंस भी ईजी है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और इसी के साथ 9th में आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बहुत मिलेंगे तो आपको टाइम कवर करना पड़ेगा। आइए अब सबसे अब जो एक बहुत बड़ी अफवाह है और एक मिथ बन चुका है लोगों के दिमाग में कि ट्यूशन जाना बहुत ज़रूरी है 9th क्लास में, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं अगर आप अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं 9th क्लास में कोचिंग नहीं गया हूँ, मैंने 9th क्लास विदाउट कोचिंग बनाई है और मेरी CGPA 9.6 रही है। और तो मैं आपको ओपिनियन देता हूँ कि आप भी कोचिंग ना जाएं, 9th पॉसिबल है विदाउट कोचिंग, मैथ्स और साइंस पॉसिबल है, पर अगर आपको फिर भी लगता है कोचिंग जाना चाहिए तो आप जाइए, कोचिंग से आपको हेल्प मिल सकती है। पर एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मेरा एक दोस्त है उसने मैथ्स में टॉप किया है, 87 आउट ऑफ 90 आया है विदाउट कोचिंग, और मैंने साइंस में टॉप किया है 87 आउट ऑफ 90 विदाउट कोचिंग, तो पॉसिबल है। तो इस बात को आप दिमाग से हटा दीजिए कि 9th क्लास में कोचिंग कंपलसरी है। अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल वैसे तो अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में ज़रूरत पड़ेगी आपको, रिफ्रेशर की ज़रूरत पड़ सकती है गाइड की, क्योंकि इस बार थोड़े लेसन्स डिफ़िकल्ट हैं और लॉन्ग भी हैं, तो इंग्लिश के लिए फुल मार्क्स सबसे बेस्ट गाइड है। मैंने वैसे तो मैंने NCERT पढ़ी है, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ कि NCERT देवी माँ, उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपके 9 CGPA तो आपकी पक्की है। तो पहले NCERT कवर करें, बाकी सब भूल जाएं, पहले NCERT ज़रूरी है, बाद में कुछ और। फिर भी अगर आपको इंग्लिश में ज़रूरत पड़ती है तो फुल मार्क्स बहुत अच्छी गाइड है। हिंदी के लिए गोल्डन बेस्ट, साइंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑल इन वन और एस्टान, पर मैं बताऊँ मैंने साइंस में टॉप किया है ओनली NCERT से, तो NCERT पहले करिए। मैथ्स में तो आप जानती हैं RD शर्मा जय हो, तो RD शर्मा पे कॉन्सेंट्रेट करें, अधिकतर क्वेश्चन उसी में से आते हैं। और सोशल साइंस में तो गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप चाहें तो एवरग्रीन कर सकते हैं, अच्छी गाइड है। और बाकी कंप्यूटर भी जी के तो निकल ही जाएगा। अगली चीज़ मैं बता दूँ आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में कि 9th क्लास में सब्जेक्ट कैसा है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, इंग्लिश ईजी है, पर थोड़े चैप्टर में वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट रहेंगे, तो फिर भी लेकिन आप अगर गाइड यूज़ करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर बहुत ईजी है 9th क्लास की। अब आते हैं हिंदी पर, हिंदी की आपको काव्यखंड बहुत मुश्किल लगेगा, उसकी लैंग्वेज बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए आपको गाइड ज़रूर पड़ेगी, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। और हिंदी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और मैथ देखें तो मैथ में सबसे बड़ी मैं आपको गलती बता दूँ, मैं मैथ सिर्फ NCERT कर गया था, उसी कारण मेरे मार्क्स कटे, मेरे को बाद में अफसोस हुआ, इसलिए मैं आपको बता दूँ प्लीज़ अकेले NCERT में मत रहिए, एक साइड बुक लीजिए, RD शर्मा सबसे अच्छी बुक है, जय हो RD शर्मा, वो आपको अच्छा रिजल्ट दिला सकती है, उस पर फोकस करिए, उसके क्वेश्चन करिए, सैम्पल पेपर करिए, सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है मैथ्स के लिए। अगर आप 3 सैम्पल पेपर करते हैं तो अच्छा आपको एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है। अगली बात साइंस की, साइंस ईजी रहेगी, फिजिक्स बहुत ईजी है, कंसेप्ट हैं, बायो में आपको थोड़ा 7 चैप्टर डिफिकल्ट कर सकता है क्योंकि उसमें आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, केमिस्ट्री स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है पर बाद में ईजी रहेगी, तो साइंस के लिए आप ऑल इन वन यूज़ करिए और एस्टान भी यूज़ कर सकते हैं, ईजी है साइंस, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पहले NCERT पर फोकस करें। सोशल साइंस, मैं सोशल साइंस सिर्फ NCERT कर गया था और मेरा अच्छा स्कोर रहा सोशल साइंस में, पर मैथ में थोड़ी डिफिकल्टी आई, तो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करें। वैसे सोशल साइंस ईजी है, तो आप अगर गाइड यूज़ करते हैं तो एवरग्रीन अच्छी गाइड है। GK भी कंप्यूटर तो सभी पास कर लेते हैं, तो कुछ नहीं। तो अब मैं आपको मेरी फॉल्ट बताता हूँ, जो मैंने गलतियाँ करी, मेरी मिस्टेक्स रही 9th क्लास में, जिसके कारण मेरा रिजल्ट बिगड़ा है। सबसे बड़ी गलती जो मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने मैथ्स में सिर्फ NCERT करी, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद मैंने सब कुछ एंड पे छोड़ दिया था, रेगुलर पढ़ाई नहीं करी थी। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो एटलीस्ट दिन में 3 आवर तो पढ़ेगा, 3 घंटे पढ़ना ज़रूरी है,
प्लीज पढ़ो, उसमें तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। ये मेरी गलतियाँ नहीं थी, और इसी के साथ मैंने अपनी स्पीड पे ध्यान नहीं दिया था, मैं थोड़ा स्लो लिखता था, इससे मेरा पेपर भी मैथ्स का छूट गया था 2-3 क्वेश्चन। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, स्पीड ज़रूरी है, तो स्पीड पे भी ध्यान दीजिए, साथ ही टीचर पे भी अपनी अच्छी इमेज बना के रखिए। टीचर जो पढ़ाए क्लास में होमवर्क कंप्लीट करिए, क्योंकि टीचर भी मार्क्स तभी अच्छे देंगे आपको जब उनकी आप पे अच्छी इमेज रहेगी। तो टीचर पे भी होना ज़रूरी है। उसके बाद क्या बचा, सैम्पल पेपर करना। सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, हर डेप सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर करिए, बहुत ज़रूरी है, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बस यही मैं आपको बता सकता हूँ मैं 9th क्लास के एक्सपीरियंस के बारे में। अब आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट में भेजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करिए, कमेंट करिए, जैसे भी लगी मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगली बार 10th क्लास के लिए तैयार रहिए, वो मेरी वीडियो है। थैंक यू।